लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म, अब शुरू अध्यात्म और ध्यान के 45 घंटे। विवेकानंद रॉक पर पीएम मोदी का खास ध्यान, 45 घंटे तक सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्यों है खास? पीएम मोदी के ध्यान पर मचा राजनीतिक घमासान। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरणों में है। कल यानी 30 मई की शाम को 7वें चरण का प्रचार प्रसार थम गया। 7वें चरण के लिए अब 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने तरीके से पूरी ताकत लगाई है। वहीं आखिरी चरण के प्रचार प्रसार के बाद पीएम मोदी गुरुवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे हैं, जहां पीएम समुद्र तट पर देवी कन्याकुमारी को समर्पित 108 शक्तिपीठों में से एक ऐतिहासिक श्री भगवती अम्मन मंदिर गए और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि अब पीएम अगले 2 दिनों तक कन्याकुमारी में रहेंगे। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी उसी जगह ध्यान लगा रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर से अप्रैल 2021 को कन्याकुमारी से जाते समय विवेकानंद रॉक का एक वीडियो भी बनाया था। अब 4 साल बाद पीएम मोदी यहाँ पर ध्यान करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले 2019 के चुनाव के अंतिम चरण के पहले पीएम ने केदारनाथ और 2014 में शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था। कन्याकुमारी वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। इसी शिला का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। स्वामी विवेकानंद के ध्यान स्थल पर पीएम मोदी का पहुंचकर ध्यान करने की योजना विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में उतारने के प्रति पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह वही स्थान है जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने एक पैर पर बैठकर भगवान शिव की प्रतीक्षा की थी। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में पिछले 75 दिनों के दौरान 206 चुनावी रैलियां, रोड शो और चुनाव से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम और 80 से ज्यादा मीडिया साक्षात्कार देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कन्याकुमारी के उसी प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने पहुंचे हैं। भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। इसे भूमि तट से लगभग 400 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। एकनाथ रांडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह थे। समुद्र तट से 50 फुट ऊंचाई पर निर्मित यह भव्य और विशाल प्रस्तर कृति विश्व के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण आकर्षण के इसे बनाने के लिए लगभग 63,000 विशाल प्रस्तर खंडों को समुद्र तट पर स्थित कार्यशाला में कलाकृतियों से सज्जित करके समुद्री मार्ग से शिला पर पहुंचाया गया। इनमें कितने ही प्रस्तर खंडों का भार 13 टन तक था। स्मारक के विशाल फर्श के लिए प्रयुक्त प्रस्तर खंडों के आंकड़े इसके अतिरिक्त हैं। इस सबके बीच पीएम मोदी की पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह फोटो 11 दिसंबर 1991 की है, जब भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से एकता यात्रा की शुरुआत की थी। मोदी आर्काइव एक्स हैंडल पर यह तस्वीर शेयर की गई है। इस एकता यात्रा में नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी भी थे। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए मोदी आर्काइव एक्स हैंडल पर लिखा गया है,
कि 33 साल पहले विशाल राष्ट्रव्यापी एकता यात्रा कन्याकुमारी के प्रतिष्ठित विवेकानंद रॉक मेमोरियल से शुरू हुई थी, जो कश्मीर तक फैली थी। नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सहित सभी एकता यात्री ने यहां से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की परिक्रमा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर यह यात्रा शुरू की। अब लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव अभियान की समाप्ति के साथ पीएम मोदी की कन्याकुमारी यात्रा और पीएम मोदी का विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में ध्यान करने के कार्यक्रम के बीच इस 33 साल पुरानी तस्वीर को सोशल मीडिया पर आप वायरल होते देख सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी की इस यात्रा के कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलते ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल ने इस पर सियासत तेज कर दी। कांग्रेस तो इसको लेकर चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटा चुकी है। विपक्ष पीएम मोदी के ध्यान पर निशाना साध रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो पीएम मोदी के ध्यान पर निशाना साधते हुए इसे पॉलिटिकल स्टंट बताया है। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी साधना करने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। विपक्ष उनके इस कदम को जहां मार्केटिंग बता रहा है, वहीं बीजेपी इसे प्रधानमंत्री की निजी आस्था कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एन भारत।